माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त वेदर हो रहा है। स्नो अच्छी खासी गिर रही है और कुछ मज़ेदार सी चीज़ खाने का दिल कर रहा है, तो इंशाल्लाह हम चलते हैं अंदर और बनाते हैं ऑरेंज चिकन। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सैफ़। और आज हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं ऑरेंज चिकन, जिसके लिए हमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ऑरेंज चिकन को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 कप कॉर्न स्टार्च, 3 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर, 1 अंडा, 1.5 कप वाटर, 1.5 कप वाटर और 1.5 टेबल स्पून ऑयल और 2 पाउंड चिकन जिसको हमने क्यूब्स की शेप में काट लिया है। और अब ये हमें सारी चीज़ें चाहिए चिकन को मैरिनेट करने के लिए, टू मेक ऑरेंज चिकन। अब हम इंशाल्लाह ये सारी इंग्रेडिएंट्स इस बोल में डालेंगे और फिर इंशाल्लाह मिक्स करेंगे। सॉल्ट, ब्लैक पेपर, कॉर्न स्टार्च, ऑल पर्पज़ फ्लावर, एग अंडा और 1.5 कप पानी और 2 टेबलस्पून ऑयल। ये हमने सारी चीज़ें एक बोल में मिला दी हैं और अब इसको हमने मिक्स करना है। अब देखें माशाल्लाह से हमारा बैटर जो है तैयार हो चुका है। हमने इसमें चिकन डालना है और आधे घंटे के लिए हमने चिल होने के लिए इसको छोड़ देना है। इसमें चिकन ऐड करेंगे, और इसको आधे घंटे के लिए हम इंशाल्लाह छोड़ देंगे इसको चिल करने के लिए। इसको इसी तरीके से हमने अच्छी तरीके से मिक्स करना है। देखें ये अच्छी तरीके से कवर हो चुका है सारा चिकन, और हमने इसको छोड़ देना है आधे घंटे के लिए। अब जो माशाल्लाह से आधा घंटा हो चुका है और हमारा तेल भी रेडी है बिल्कुल फ्राई करने के लिए, जो हमने चिकन रखा था चिल होने के लिए, उसको आधा घंटा पूरा हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह इसको फ्राई करेंगे। हमने सारा चिकन अपना इंशाल्लाह इसमें डाल देना है और इसको 5 से 7 मिनट के लिए हमने फ्राई करना है। अब देखिए माशाल्लाह से ये बिल्कुल गोल्डन हो चुके हैं ये। अब हम इसको निकालेंगे और पेपर टॉवल पे रख देंगे ताकि इसका ऑयल जो है ड्रेन हो जाए। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये क्रिस्पी चिकन बिल्कुल ज़बरदस्त क्रिस्पी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसके लिए सॉस बनाएंगे। अब हम इंशाल्लाह बनाने जा रहे हैं ऑरेंज चिकन सॉस, जिसके लिए हमें ये सारी इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 1 टीस्पून ऑयल, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 कप वाइट शुगर, 1/4 कप ब्राउन शुगर, 1/4 कप ऑरेंज जूस, 1/4 कप विनेगर, 2 टेबलस्पून सोया सॉस,
इस कप में हमने 2 टेबलस्पून वाटर एंड 2 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर मिक्स कर दिया है, और 1 टीस्पून हम सेसमी ऑयल यूज़ करेंगे इसमें। अब हम इंशाल्लाह ऑरेंज चिकन का सॉस तैयार कर रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले पैन में डालेंगे अपने ऑयल, फिर चिली फ्लेक्स डालेंगे हम, साथ में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डालना है, थोड़ा सा स्टे करके फॉर फ्यू सेकेंड्स। हर इंग्रीडियंट्स को डालने से पहले हमें थोड़ा सा फ्यू सेकेंड्स का गैप देना है, स्टे करना उसको अच्छा, एंड फिर ऐड करना है ईच इंग्रीडियंट्स ऑन द पैन। अब हम इंशाल्लाह वाइट शुगर डालेंगे, और साथ में ही हमने हल्की सी स्टर करके ब्राउन शुगर डाल देना है। माशाल्लाह से अब ये सही तरीके से स्टर हो चुकी है। अब हम इसमें ऑरेंज जूस ऐड करेंगे, अब हम इसमें विनेगर ऐड करेंगे, अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे, अब आप माशाल्लाह से देख सकते हैं कि इसके बबल्स आना शुरू हो गए हैं इसमें सॉस में। अब हम इंशाल्लाह मिक्स करेंगे वो जो हमने वाटर जो और कॉर्न स्टार्च जो मिक्स किया था एक बोल में, वो हमने डाल दिया इसमें। अब इसको इसी तरीके से मिक्स करना है। अब माशाल्लाह से एक मिनट हो चुका है इसको स्टिर करते हुए, अब हमने इसमें चिकन ऐड करना है। अब हम इसमें साथ में सेसमी ऑयल ऐड करेंगे, उसके बाद स्टर करेंगे फिर से। देखें कितना मज़ेदार लग रहा है ये, बिल्कुल प्रॉपर क्रिस्पी, और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ रहा है ऑरेंज चिकन। माशाल्लाह से ये हमारा रेडी हो चुका है, ऑरेंज चिकन फाइनली इन माय प्लेट, और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है, और बहुत ही मज़ेदार एंड क्रिस्पी बनाइए। इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घर पे बनाइए, ट्राई कीजिए, और ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा ये हमारी रेसिपी ऑरेंज चिकन की। ये ऑथेंटिक ऑरेंज चिकन की रेसिपी है रेस्टोरेंट स्टाइल, सो प्लीज़ यू मस्ट ट्राई दैट, ईट दैट, लाइक द वीडियो, शेयर इट, कमेंट इट। और इसको आप राइस के साथ, बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं, या फ्राइड राइस, या तो फिर चिकन पुलाव। इसकी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में होगी, आप लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो अब मैं ये इंशाल्लाह इंजॉय करने जा रहा हूँ ये, आई कैन नॉट वेट एनी मोर टू ट्राई दिस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये देखिए ज़बरदस्त।